गाइज़ वेलकम बैक टू माई चैनल। सो इन द टुडेज़ वीडियो आई विल रिक्रिएट दिस लुक जो भी आपने देखा। फॉर दैट यू हैव टू फर्स्ट अप्लाई एनी कंसीलर ऑन योर आईज़ एंड आफ्टर दैट सेट विद एनी कॉम्पैक्ट पाउडर विच यू हैव। एंड उसके बाद आपको कोई सी भी पिंक कलर की लिपस्टिक लेनी है, मेक श्योर वो थोड़ी सी डार्क हो, ज़्यादा लाइट ना हो। उसको ऐसे राउंड शेप में अपनी आईज़ में लगाना है एंड अच्छे से लगाना है, एकदम ऐसे लाइटली नहीं लगाना है। और उसके बाद कोई भी ब्लेंडिंग ब्रश की हेल्प से, फ्लैट ब्लेंडिंग ब्रश की हेल्प से उसको अच्छे से ब्लेंड कर देना है। और उसको जब तक ब्लेंड करना है कि जब तक वो अच्छे से ना हो जाए और कोई सी भी हार्श लाइन ना लगी रहे, ऐसा ना लगे हमने कोई लिपस्टिक अप्लाई की, उसे जब तक ब्लेंड करना है अच्छे से। और ब्लेंड करने के बाद आपको फिर से पिंक कलर का आई शेडो लेना है, बट दिस टाइम मेक श्योर आप पिंक कलर ले जो कि आपकी लिपस्टिक से हल्का सा लाइट हो। उसको आपको अपनी क्रीज के ऊपर रखना है और जब तक अप्लाई करना है जब तक आपकी लिपस्टिक और आई शेडो दोनों मिक्स ना हो जाए और अच्छे से ना लगे, पूरी जो लाइन्स है वो हट जाए जब तक आपको उसको अप्लाई करना है। एंड उसके बाद आपको इनर कॉर्नर और साइड में अप्लाई करना है लाइट ब्राउन कलर। एंड आई एम अप्लाइंग विद माई फिंगर्स हेयर, कि फिंगर से अच्छा आ रहा था। यू कैन सी द डिफरेंस कि ब्राउन कलर लगाने के बाद पिंक के साथ ही बहुत ज़्यादा सूट हो रहा है। और उसके बाद उसको अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे एंड देन इट्स टाइम फॉर द कट। क्रीज बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही ध्यान से करनी पड़ती है, ये आप कोई से भी कंसीलर के साथ कर सकते हैं कट क्रीज। एंड ये भी मैं फ्लैट ब्रश की हेल्प से लगा रही हूँ और लेट इट ड्राई फॉर सम 1 मिनट, उसको सूखने के बाद ही यूज़ करें, पहले ना करें। एंड जो हमने पिंक कलर ऊपर लगाया था क्रीज पे, वही सेम कलर हमको अपने कंसीलर के ऊपर लगाना है, अच्छे से लगाना है। एंड उसके बाद मैंने जो अपनी लिपस्टिक लगाई थी, मैं उसे हल्के से डार्क कर रही हूँ क्योंकि वो थोड़ा कंसीलर की वजह से छुप गई थी। सो एंड उसके बाद मैं अप्लाई करूँगी लूज ग्लिटर एंड यू कैन ऑल्सो अप्लाई आई शेडो ग्लिटर, बट मुझे लूज ग्लिटर ज़्यादा अच्छे लगते हैं, वो ज़्यादा निखर के आते हैं। एंड इट्स टाइम फॉर द लाइनर, आई एम अप्लाइंग अ विंग लाइनर। यू कैन ऑल्सो अप्लाई नॉर्मल लाइनर, विंग थोड़ा अच्छा लगता है बस। एंड देन इट्स टाइम फॉर मस्कारा अप्लाई करेंगे अच्छे से। यू कैन ऑल्सो यूज़ फॉल्सीज, मैं फॉल्सीज नहीं लगा रही हूँ। एंड उसी मस्कारा से आप अपने आईब्रोज भी कर सकते हैं, इट लुक वेरी गुड एज यू कैन सी। एंड उसके बाद लोअर लैश लाइन पे वही पिंक कलर सेम एंड अंदर की तरफ से सेम ब्राउन कलर आपको अप्लाई करना है। Then I will apply kajal on my eyes and this is not compulsory, if you want you can apply, otherwise skip this step. And so now I'm applying a same pink lipstick. You can also apply nude lipstick yahan pe because hamari eyes thodi bold hai.